बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है हाउसफुल 4, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नज़र आने वाले हैं। आपको बता दें कि वो पहले 2019 में हैरी बनते हुए नज़र आएंगे, तो पुनर्जन्म यानी कि 1419 के अंदर वो बाला का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि एक राजकुमार है। दोस्तों, ये पूरी स्टारकास्ट जो कि रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति खरबंदा, कृति सनन और साथ ही साथ पूजा हेगड़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाके करते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम ऐसे सीरियस मुद्दे के ऊपर जो कि हमेशा ही अक्षय कुमार की फिल्मों पर देखा जाता है। आपको बता दें कि हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, US हो या फिर हो कैनेडा, हर जगह इस फिल्म को, अक्षय कुमार की फिल्म को, ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर बार इसे काफ़ी ज़्यादा नकारा जाता है और काफ़ी ज़्यादा अक्षय कुमार की फिल्म्स की बेइज्जती की जाती है। अब आपको बता दें कि ये और कोई देश नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जैसे ही हाउसफुल 4 का ये बेहतरीन ट्रेलर आया, अपनी फालतू की टिप्पणियां इसके ऊपर करने लग गए हैं। कहते हैं कि ये ट्रेलर क्या है, ख़राब ट्रेलर है जहां पर कोई कॉमेडी ही नहीं है, और ये फिल्म तो वैसे भी पाकिस्तान में चलने वाली नहीं है। जैसे पहले हाल हुआ था, हर फिल्म को बैन करते हुए चल रहे हैं, वैसे ही ये फिल्म भी इधर नहीं चलने वाली। और ऐसा कहते हुए कई चैनल्स के ऊपर आप लोग देख पाएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि वहाँ के फैंस जो कि हैं काफ़ी अच्छे रिएक्शंस हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि YouTube पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर अक्षय कुमार के फैंस पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो इतनी बेहतरीन फिल्म लेकर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर उल्टी तरफ पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बुराई करती हुई नज़र आ रही है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिले ऐसी ही और अपडेट्स सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more news and updates.